बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए सिक्का की ओर से बॉलिंग चेंज लगता है। गौरांग चौहान अपना पहला ओवर लेके आए फील्ड सेट करते हुए आर्य पटेल को आगे बुलाते हुए। लेफ्ट आर्म काफी बढ़िया गेंद अपील, अंपायर पर कोई असर नहीं। ना ना ये स्कोर लग के रन गण जाए। गौरांग दूसरी गेंद लेके बढ़िया प्लेसमेंट सम्मान देते हुए गेंद को फिर भी एक रन चुरा रहे। एचपी से मिस फील्ड हुई वहां पे, पैर से रोक रहे थे, हाथ दिया है उनको। गौरांग फिर से गेंद करेंगे नटुबा को, बढ़िया स्वीप शॉट सीधा फील्डर के हाथ में और ये कैच ड्रॉप कर दिया। प्रीतेश पारेख के हाथों से गेंद छूटती हुई, बहुत इजी कैच था ये, बहुत महंगा पड़ेगा कॉरपोरेट को। फिर भी अपनी टीम का उत्साह बढ़ाते हो सभी खिलाड़ी, आज करो या मरो का स्थिति है सीओ के लिए। फिर से एक बार खेल दिया, इस पर ग्राउंड शॉट, आर्य पटेल वहां पे फील्ड करेंगे, कोई रन नहीं, बढ़िया फील्डिंग। पिछले मैच में 3 विकेट लिए थे गौरांग चौहान ने, आज भी 1 विकेट था ही पहले ओवर में। इस बार लेग स्टंप पे एम्पायर का इशारा वाइड, बाय का एक रन चुराते हुए, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही बढ़िया दोनों बल्लेबाजों के बीच। जोर से बोलो, ऊपर से मारे लागे। गौरांग चौहान इस बार नटुबा को आगे जाके खेलना चाहते थे, अपील की वहां पे, अंपायर का इशारा, लेग स्टंप की जानिब जाती हुई गेंद, गौरांग काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अभी तक। नटुबा इस बार फिर से पैड पे, इस बार अंपायर की उंगली उठ गई, एसआर जाडेजा है स्ट्राइक पे। दूसरा गेंद डॉक्टर साहब टू एसआर जाडेजा, लेग स्टंप पे भटके, वाइड का इशारा अंपायर का, स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन। इस बार फिर से लेग स्टंप पे था, थोड़ी सी अपील की, कीपर जेसी परीख जब भी पैड पे लगता है तो अपील तो करते ही है। डॉक्टर साहब फिर से, इस बार फिर से लेग स्टंप पे थोड़ा ड्रिफ्ट हुआ बॉल, वाइड का इशारा एम्पायर। सर जाडेजा फिर से सामना करेंगे, पावर प्ले का ये आखिरी ओवर चलता हुआ। इस बार फास्टर वन डाला, बल्लेबाज बीट हुए, बहुत ही बढ़िया विकेट कीपिंग, बॉल पकड़ जाने नहीं दिया पीछे। योगीराज सिंह एसआर को समझाते हुए, एसआर जाडेजा फिर से सामना करेंगे डॉक्टर मनीष पलेसर का, बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट, फील्डर वहां एचपी मौजूद, कोई रन नहीं। परीक जैसी फील्ड सेटअप करते हुए वापस, डॉक्टर साहब टू एसआर जाडेजा, इस बार खेल दिया है कवर की जानी,
चार रन के लिए गेंद जाके बाउंड्री के पार, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक ये एसआर जाडेजा के बल्ले से। वराग बोरी का ये बहुत ही बढ़िया क्रिकेट ग्राउंड, वहाँ पे 16th इंटर GSECL टूर्नामेंट चल रहा है आज, पहला मैच कॉरपोरेट और सिक्का के बीच में। सिक्का अपना पहला मैच जीत के वापस दूसरा मैच खेल रहा है। पटेल साहब एसआर जाडेजा को फास्टर वन, बहुत ही बढ़िया विकेट की बैंक। 5 ओवर की समाप्ति, 41 रन 1 विकेट के नुकसान पे। नटूपा के रूप में 1 विकेट, गौरांग चौहान फिर से एक बार गेंदबाजी करेंगे। योगीराज सिंह जाडेजा बर्थडे बॉय, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे टू योगीराज सिंह। बर्थडे बॉय आज स्ट्राइक पे है, उनसे काफी उम्मीद होगी उनकी टीम को कि उनका बर्थडे स्पेशल कर दे आज, बढ़िया सी पारी खेल के। बेस्ट बॉलर गौरंग चौहान सीओ की तरफ से फिर से एक बार गेंद करेंगे योगीराज सिंह को। फील्ड में थोड़ी तबलीगी करते हुए योगीराज सिंह बहुत ही सम्मान देते हुए, बहुत ही बढ़िया गेंद रन हुआ, कोई रन नहीं। दूसरा गेंद फेंकेंगे योगीराज को गौरंग चौहान, इस बार खेल दिया है पीछे फील्डर मौजूद HB राठौड़, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग मगर 2 रन चुरा लिए, काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के। गौरंग चौहान फिर से योगीराज सिंह जाडेजा को, ओहो बहुत बढ़िया गेंद टर्न हुआ, बल्लेबाज बीट हुए, बहुत ही अच्छी जगह पे पिच कराते हुए गौरंग चौहान। फिर से एक बार बैकफुट पंच, कोई रन नहीं, फील्डर वहां पे मौजूद। फील्डिंग चेंज कराते हुए गौरंग चौहान फिन से इस बार खेल दिया है, फील्डर वहां पे मौजूद, बहुत बढ़िया फील्डिंग हाई प्रेशर के द्वारा, हरक पदोड़े के तरीके जाने जाते हो बहुत ही हरक पदोड़े वो गौरंग चौहान अपने कोटे का गेंद करते हुए। फिर से एक बार गेंद HP के पास, कोई रन नहीं, बहुत ही बढ़िया गेंद। 6 ओवर की समाप्ति पे स्कोर पहुंचा है 44 रन 1 विकेट के नुकसान पे। गौरंग चौहान ने काफी बढ़िया गेंदबाजी की है 2 ओवर में अपने। डॉक्टर साहब फिर से अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आए हैं, सामना करेंगे SR जाडेजा। काफी बढ़िया गेंद, अपील वहां पे कीपर और बॉलर के द्वारा, एम्पायर का इशारा लेग बाय, 1 रन चुरा लिया। अभी स्ट्राइक पे योगीराज सिंह बर्थडे बॉय, दूसरा गेंद डॉक्टर साहब टू योगीराज सिंह जाडेजा, खेल दिया है फील्डर वहां HP मौजूद, 1 रन चुरा लिया,
काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, दो गेंद दो रन, इस बार खेल दिया है फील्डर से आगे गिरी गेंद, दूसरा रन भी दौड़ रहे, थ्रो लेट, दो रन चुराने में कामयाब दोनों बल्लेबाज, पारेक थे वहां पे, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की अभी तक स्टेट में, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग डॉक्टर साहब के द्वारा खुद की गेंद पे, अभी तक बांध के रखा है बल्लेबाज को डॉक्टर साहब ने, फिर से एक बार उठा के खेला है गेंद, वहां पे बिल्कुल गैप में दो रन चुरा लिए, बहुत ही बढ़िया थ्रो वहां पे परिमल के द्वारा सीधा वन बाउंस कीपर के पास, डॉक्टर साहब टू एस आर जाडेजा कप्तान योगीराज सामना करेंगे गौरव चौहान का, आगे उठा के खेला है फील्डर वहां पर मौजूद, ओ मिस करते हुए डॉक्टर साहब थोड़ा जजमेंट नहीं दे पाए, छह रन के लिए गेंद, डॉक्टर साहब इंजर्ड होते हुए तेजस फील्ड में जाते हुए गेंद लगी है शायद डॉक्टर साहब को, ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, कल भी एक डॉक्टर साहब को ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, थोड़ा अजीब लग रहा है ये सुन के, फर्स्ट एड बंगाते हुए गौरांग चौहान गेंद ले गए, सामना करेंगे योगीराज सिंह, बहुत ही बढ़िया छक्का लगाया अभी, सम्मान दिया एक गेंद को, धीरे से खेल के एक रन चुरा लिया, एचपी जब तक फील्ड करे एक रन चुरा लिया, ये महंगा पड़ सकता है कॉरपोरेट को, ये दोनों बल्लेबाजों ने एक एक छह लगा दिए, गौरांग चौहान फिर से एक बार फुल टॉस गेंद, धीरे से खेला उसको फील्डर एच बी राठौड़, जब तक फील्ड करेंगे दूसरा रन चुराने जा रहे हैं, दूसरा रन देखते पूरा कर पाते कि नहीं, दो रन चुरा लिए, काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों की ओर से, गौरव चौहान फिर से एस आर जाडेजा इस बार स्वीप की जैसे खेल दिया है, गेंद जा रही है लेग स्टंप बाउंड्री के बाहर, फील्डर देख पाते ही कि रोकती रही, पारेख के द्वारा पैर से रोका गया, आउटफील्ड स्लो होने की वजह से ये गेंद चार रन नहीं हो पाई, आठ ओवर के नुकसान 67 स्कोर बन गया, एक विकेट का नुकसान हो गया,
गेंदबाजी का जिम्मा जाने वाले लेग स्पिनर वांडी मैडम बुढ़ा हो जाए सामना करेंगे सिक्का के कप्तान योगीराज मैडम साहब जो के भूतपूर्व सिक्का से बिलोंग करते हैं वहां पे जॉब किया उन्होंने पहचान दे उनके सिक्का की टीम के प्लेयर्स को देखते हैं क्या खिलाते हैं इनको फील्ड सेटअप कराते हुए मैडम अपना टाइम लेते हुए कोटे का पहला ओवर लेके आए हैं स्ट्राइक पे योगीराज सामना करेंगे मैडम इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद फील्डर वहां पे फील्ड कर मिस हुआ गेंद जा रही है धीमे धीमे दो रन चुरा लिया मैडम दूसरा बॉल डालेंगे योगीराज को वेट किया बैकफुट पे जाके शॉट खेला फील्डर वहां पे फील्डिंग करे तब तक एक रन चुरा लिया एंड मैडम टू योगीराज अपने ओवर का तीसरा गेंद डालेंगे इस बार खेला है फील्डर वहां पे मौजूद मगर उन्होंने कैच की बजाय फील्डिंग का ट्राई किया मैच करवाएगा मरो है मगर वो देख रहे हैं गेंद को अपने पास आने के लिए एचपी को बाहर से पब्लिक बोलने के दौड़े बहुत ही बढ़िया खूबसूरत चार रन के लिए गेंद ऑफ स्टंप की जानिब फील्डर वहां आर्य पटेल थोड़ा मिसफील्ड करते हुए पीछे कोई फील्डर नहीं था चार रन के लिए गेंद मैडम साहब योगीराज सिंह को इस बार फिर से खेल दिया है फील्डर वहां पे मौजूद एच ए राठौड़ वनाक बड़ी होम पिच पे आज खेलते हुए कॉरपोरेट की ओर से बहुत सारा क्रिकेट खेला इस ग्राउंड पे उन्होंने मैडम गेंद करेंगे योगीराज को स्ट्रेट बहुत ही बढ़िया शॉट खूबसूरत स्ट्रोक ये सीधा छह रनों के लिए अंपायर का डॉक्टर साहब अपने कोटे का आखिरी ओवर लेके आए हैं सामना करेंगे एसआर जाडेजा थोड़ा फील्ड प्लेसमेंट कराते हुए इसके बाद का जो मैच है वनाक बोरी और केएलटीपीएस के बीच में खेला जाएगा दोनों कप्तानों से अनुरोध है कि स्कोरर के पास आ जाए टॉस के लिए जिसके अगर टॉस जल्दी हो जाएगा तो उसके बाद का मैच तुरंत शुरू किया जाएगा जो टीम टॉस जीतेगी और जो भी डिसाइड करेगी अगर बल्लेबाजी डिसाइड करेगी तो तुरंत बल्लेबाजी पहले शुरू होगी पटेल साहब फील्ड सेट करते हुए फिर से काफी प्रेशर में करो या मरो का स्थिति कॉरपोरेट के लिए दूसरा गेंद योगीराज सिंह को इस बार फुल टॉस बहुत ही बढ़िया कवर की जानिब छह रन के लिए फील्डर कुछ नहीं कर सकता उसमें
अभी योगी राज से अपने बर्थडे को बड़ा दिन बनाते हुए गियर बदले है सिक्का की टीम ने। चौथे पांचवें गियर में गाड़ी डाली है अब पटेल साहब फिर से योगी राज सिंह को इस बार फिर से खेल दिया है स्क्वायर के जा रही फील्डर पहुंच नहीं पाएगा चार रन के लिए गया। सिक्के शर्मा क्वाइन उछाला पानंद्रो टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का डिसीजन लिया है उसके बाद का मैच वनाग गोरी और पानंद्रो के बीच में खेला जाएगा। पानंद्रो टॉस जीत के बल्लेबाजी करेगी। 10 ओवर की समाप्ति पे स्कोर पहुंचा 107 रन ओनली वन विकेट। सीओ की टीम जब दो जहद करती हुई टॉस जीत के फील्डिंग का डिसीजन सोचना पड़ेगा सही था या गलत। 107 10 ओवर योगी राज से स्ट्राइक पे 48 पे आज बर्थडे के दिन बहुत लंबा स्कोर करने वाले हैं। जडेजा को स्लो गेन करना चाह रहे थे वाइड दिशा से भटके लेग स्टंप पे अच्छा कीपिंग जगत के द्वारा। जेमिन गेंद करेंगे सर जडेजा को खेल दिया इस बार ऑफ स्टंप की जानिब फील्डर वहां पे प्रीतेश एक रन छुड़ा लिया। अभी तक काफी अच्छी गेंदबाजी की है जेमिन ने कोई ज्यादा बड़े हिट नहीं लगा पा रहे इस बार इस ओवर में। योगी राशि 49 पे गेंद करेंगे जेमिन खेल दिया इसको लेग स्टंप की तरफ 50 खत्म किया इस बार बल्ला ऊंचा करके दिखाए सभी को एप्रिसिएशन मिलता हुआ अपनी टीम के प्लेयर से। जय भीम गेंद करेंगे सर जडेजा को इस बार खेल दिया है चार रन के लिए गेंद वन बाउंस बाउंड्री
કપ્તાન. હલો, 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 ઠીક. પ્રિતેશ પારેખ કે હાથ મેં ગેંગ અપને કોટે કા પહેલા ઓવર લેકે આતે હુએ સામના કરેંગે યોગીરાજ ધુઆંધાર બલ્લેબાજ 50 કે ઉપર ખેલ રહે હૈ. પટેલ સાહેબ ફિલ્ડ સેટ કરતે હુએ મેડમ સાહેબ કો બુલાયા હૈ વહાં સે લેગ સ્ટમ્પ પે કવર પે જાનિબ ખડે કરને કે લિયે. પારેખ સે કાફી ઉમ્મીદ હૈ ઇસ બાર. એક દો વિકેટ નિકાલ કે દે કોર્પોરેટ કો કે જિસસે થોડા રન રેટ કમ હો. અપને કોડે કા પહેલા ગેંદ યોગીરાજ કો. ઇસ બાર બહોત હી ખૂબસૂરત સ્ટ્રોક. ફિલ્ડર પીછે મોજૂદ એચ રાઠોડ દો રન ચુરા લિયે. બહોત હી બઢિયા રનિંગ વિકેટો કે બીચ મે દોને બલ્લેબાજો કે ઓર સે. પારેખ ઇસ બાર દૂસરી ગેંદ યોગીરાજ સિંહ કો સમય લેતે હુએ. ફુલ ટોસ ગેમ. બહોત હી ખૂબસૂરત સ્ટ્રોક યે. ગેમ જાન મેં જે બહાર ચલી હુઈ. પિછલી મેચ મેં ભી ફુલ ટોસ દિયે થે ઇન્હોને. શાયદ પીસ થોડા છોટા લગ રહા હૈ. પારેખ દેખતે કે ઇસ બાર ક્યા કરતે હૈ. देखते हैं इस बार पिच पर यॉर्कर की तलाश में है शायद. तीसरा गेंद योगीराज सिंह को. फिर से एक बार स्ट्रेट में खेल दिया है. परिमल वहां पे मौजूद. एक रन चुरा लिया. थोड़ा विक शॉट. शॉट बढ़िया था मगर फील्डर पे पास थी गेंद. पारेख સામના કરેંગે અબ ઇસ બાર એસઆર જાડેયા. ખેલ દિયા હૈ લેગ સ્ટમ્પ કી જાનિબ. ડોક્ટર સાહેબ ફિલ્ડ કરતે પીછે પડે મગર 4 રન કે લિયે ગેંદ. બહોત હી ખૂબસૂરત સ્ટ્રોક યે એસઆર જાડેયા કા. ઓપનિંગ બલ્લેબાજ ખેલ રહે 43 પે ખેલ રહે. ઉનકો ભી અપના 50 પૂરા કરના ચાહિયે અપની ટીમ કે લિયે ઓર અપને ખુદ કે લિયે ભી. પારેખ ફિર સે એક બાર ગેંદ કરેંગે. એસઆર જાડેયા કો કાફી બડા લાઇનઅપ બેટિંગ લાઇનઅપ સિક્કા કા. ઇસ બાર ફિર સે ખેલા હૈ. ગેંદ હવા મેં દો ફિલ્ડર કે બીચ મેં. દો રન ચુરા લિયા. કોઈ ફિલ્ડર મૌજૂદ નહીં થા વહાં. મેડમ સાહેબ ને ફિલ્ડિંગ કિયા. પારેખ ફિર સે સામના કરેંગે એસઆર જાડેયા. ઇસ બાર બઢિયા હિટ. મેડમ સાહેબ ફિલ્ડિંગ કરને કે લિયે દોડે. હાથ મેં ગેંદ થા મગર મિસ હો ગયા. ડ્રોપ કેચ. દો રન ચુરા લિયે. બારા ઓવર કી સમાપ્તિ પે સ્કોર પહોંચા 132. 3 ઓવર કા ખેલ શેષ હૈ અભી. દેખના હૈ કે કિતના સ્કોર કર પાતી હૈ સિક્કા. ઉનકો ચાહિયે કે સભી બલ્લેબાજો કો બેટિંગ પ્રેક્ટિસ કરવાએ. આજ મોકા હૈ ઉનકે પાસ. અનોરા બેટે હૈ રેડી હોકે અપના ઇંતજાર કરતે હૈ બેટિંગ કા. એસઆર જાડેજા 47 પે 3 રન દૂર અપની 50 સે. જેમીન ફિર સે અપને કોટે કા લાખરી ઓવર લેકે આયે હુએ. યોગીરાસી સામના કરેંગે જેમીન જોશી કા. થોડા ફિલ્ડ પ્લેસમેન્ટ કરાતે હુએ 12 ઓવર કે બાદ સ્કોર 132 હે. કાફી સુંદર બલ્લેબાજી દેખને
चौका लगा के पूरा कर पाते कि नहीं। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी की अभी तक उन्होंने जैमिन, इस बार खेल दिया है कवर की जानेब, फील्डर वहां पे मौजूद, काफी बढ़िया फील्डिंग वहां पे डॉक्टर साहब की वजह से, दो रन चुरा लिए फिर भी। 49 पे पहुंचे असर जाडेजा, एक रन दूर अपनी 50 से। सभी प्लेयर सिक्का के मोटिवेट करते हुए अपने सलामी बल्लेबाज असर जाडेजा को, जैमिन गेंद करेंगे असर जाडेजा को, हल्के हाथों से खेल दिया सीधा स्टंप पे जाके लगा, शायद एक रन चुरा लिया, 50 रन पूरा यहाँ पे, तालियां बजाई जाए, काफी बढ़िया बल्लेबाजी। रिटायर्ड हट होके जाते दूसरे बल्लेबाज को बैटिंग में आना है, 50 खत्म करके अंदर पहुंचेंगे अभी नेक्स्ट बल्लेबाज जयपाल सिंह। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी करके दूसरे बल्लेबाज को बैटिंग का मौका देते हुए जयपाल सिंह नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे। कप्तान को चाहिए कि वो भी रिटायर होकर दूसरे बल्लेबाज को बल्लेबाजी करने के लिए चांस दे, ऐसा नहीं है कि कप्तान है तो रिटायर नहीं हो सकते, सबको प्रैक्टिस मिलना चाहिए, बड़ा मैच आने वाला है आगे। जैमिन टू कप्तान योगिराज सिंह, बड़े भाई इस बार खेला मगर गेंद वहीं पे रुकी, बहुत बढ़िया फील्डिंग मगर रन आउट का चांस नहीं था, एक रन छुड़ा लिया। स्ट्राइक पे भी नए बल्लेबाज जयपाल सिंह, हुए 50 के ऊपर स्कोर से, इसके बाद फिर से खेल दिया कवर की जानेब, मैडम वहां पे वन बाउंस फील्ड करेंगे, लेग स्टंप की जानिब खेल दिया है 6 रन के लिए, पहला छक्का जब बॉल चेंज करने की रिक्वायरमेंट, पर गेंद को चेक करते हुए आगे आगे खेलना चाहते थे, मिस हुआ, फिर कीपर से मिस हुआ, 4 रन बाएगा इशारा अंपायर का, 5 बाई के 4। को सीओ ने इसके बाद जो गेम होने वाला है केएलटीपीएस और वनाकपुरी के बीच में, केएलटीपीएस टीम से अनुरोध है कि अपनी टीम का एक प्लेयर यहां पे भेजे स्कोरर के पास, पारेख अपने कोटे का दूसरा ओवर डालते हुए और आखिरी ओवर 15वीं ओवर फील्ड सेट करते हुए कीपर कप्तान
स्टेट में एचपी फील्ड करेंगे, एक रन चुरा लिया। जयपाल सिंह चाहेंगे कि पांच गेंद में पांच सिक्स लगाए, देखते क्या कर पाते हैं। फुल टॉस गेंद खेल दिया है, बाउंड चली और बराबर खींच हुए नहीं मिला। खेल दिया लेग स्टंप की जानिब, ये भी दौड़ेंगे, आसानी से दूसरा रन पूरा किया। अच्छी ओवर डाली इस बार पारेख ने आखिरी ओवर, स्कोर एक फील्ड पे जाते हुए। அடி அடி கேஎஸ் டிபிஎஸ் கே தோனோ பல்லேபாஜ் கிரீஸ் பர் மௌஜூத் ஆக்ரமக் பிரஹார் கரனே கி கோஷிஷ் ஏக் ரனோ கே லியே ஜெய்தீப் கேர்வாலா एक ओवर की समाप्ति पर एक बहुत ही बढ़िया फील्डिंग आकाश देसाई के द्वारा, बहुत ही बढ़िया। घेरा वाला ने घेरा बना दे हुए, फील्डिंग में तब्दील करते हुए। और ये बॉल यहां पर घेरा वाला द्वारा, घेर वाला ने घेरा बनाते हुए एक विकेट चटकाई सुथार के रूप में। KLTPS दो विकेट घुमाते हुए, कुछ समझ में ही नहीं आया, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग घेरवाला के द्वारा। बहुत ही बढ़िया बॉलर है इतुभा वणाक बोरी के लिए। हल्के हाथों से खेल दिया, वहां पर रन लेना चाहते थे लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में। बहुत ही बढ़िया गेंद, कुछ समझ नहीं पाए सथवारा, बॉल सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। और ये फुल टॉस का फायदा उठाते हुए पहला चौका KLTPS की पारी का। कप्तान के बल्ले से पहला चौका निकलता हुआ।
देखना पड़ेगा, एक सम्मानजनक स्कोर अगर चाहिए केएलटीपीएस को तो। और ये यहां पर चांस था एक रन। नए बैट्समैन है आरबी, मिथर वाला खतरा, लेग बाई का इशारा अंपायर के द्वारा। इसी बीच ओवर की समाप्ति, चार ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 14 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही धीमी शुरुआत। लगातार विकेटें गवाते हुए केएलटीपीएस। इसी बीच और ये हल्के हाथों से खेल दिया एक रन, वहां पर एक रन पूरा किया। एक दो रन से धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ता हुआ केएलटीपीएस का। एक धुआंधार पारी चाहिए अभी। चुस्त बॉलिंग यहां पर चौधरी के द्वारा, स्टंप टू स्टंप हल्के हाथों से खेल दिया। पांच ओवरों की समाप्ति पर 15 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। कोटे का पहला ओवर लेकर सामने है यहां पर गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। लॉन्ग ऑफ की ओर एक रनों के लिए खेल दिया है सीके शर्मा ने। इसी तरह से सीके शर्मा को खेलना होगा। हल्के हाथों से खेल दिया है, यहां पर रन लेना चाहते हैं मिथरवाल, लेकिन मना कर दिया कप्तान ने। छह ओवरों की समाप्ति पर 21 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। चौधरी अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर सामने है सीके शर्मा। सीधा फील्डर के हाथ में, कोई रन नहीं। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग दिखाते हुए चौधरी। और ये पूरी तरह से बीट किया यहां पर सीके शर्मा को। बहुत ही बढ़िया गेंद चौधरी के द्वारा।
और सात ओवरों की समाप्ति पर 25 रन, तीन लॉस ऑफ थ्री विकेट। फील्ड में चेंजेस करते हुए कुछ दिक्कत आती हुई बॉलिंग में नमन को, शायद स्टेप में। पटकी हुई गेंद यहां पर हल्के हाथों से खेल दिया है थर्ड मैन की ओर। जब तक फील्डर फील्ड करते तब तक एक रन चुरा लिया। नमन अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर अगली गेंद सीके शर्मा को।